इसराइल ने कोरोना पर लगाम लगा दी है और उसका पता उसकी इस नई गाइडलाइंस से चलता है, जिसमें साफ कहा गया है कि खुली जगहों पर मास्क लगाना अब जरूरी नहीं है। यही नहीं, अब इसराइल में जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर लौट आया है, स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। इस तरह इसराइल ने कोरोना काल में भी बड़ी मिसाल कायम की है। अब इस बात की चर्चा चल रही है कि इसराइल की उपलब्धि वहां की कम जनसंख्या की वजह से है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं वह उसकी सफल नीति को इस जीत की असल वजह बता रहे हैं। कोरोना जंग में इसराइल बड़ी मॉडल नजीर है। इसराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ से कुछ कम है। कुछ दिन पहले तक वहां संक्रमितों की संख्या 8 लाख से पार पहुंच चुकी थी, यानी करीब हर 9वां व्यक्ति संक्रमित था। भारत में महामारी की दूसरी लहर में जो तस्वीर दिख रही है उसमें यह कल्पना करना भी डरा देता है। कोरोना की जंग में पूरे इसराइल मॉडल को देखें तो कुल 5 बड़ी चीज हैं जो निकल कर सामने आती हैं। पहली, स्पष्ट राजनीति प्रतिबद्धता। दूसरा, अनुसंधान और अंतर्देशीय समझौते। तीसरा, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की सुविधा। चौथा, जन भागीदारी। और 5वें नंबर पर देशव्यापी टीकाकरण। दरअसल महामारी से निपटने की दिशा में इसराइल की सरकार इन 5 मौकों पर सक्रिय दिखी। खराब हालत के बावजूद जब दूसरी बार भी सख्त लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा तो हिचक नजर नहीं आई। अनुसंधान और अंतर्देशीय समझौतों पर लगातार काम हुए। उपकरण और दूसरी चीजें तेजी से मुहैया कराई गई। रिसोर्स के मामले में विकसित देशों के बराबर और कहीं आगे खड़े इसराइल को अपनी आबादी की वजह से जरूर सहूलियत मिली, लेकिन टेस्टिंग की तेज प्रक्रिया, जन भागीदारी और देशव्यापी टीकाकरण ही था जिससे वह कोरोना मुक्त हो गया। पूरी प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से लगभग सैन्य ऑपरेशन की तरह चलाई गई। कोरोना से जंग में भारत टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन बात अगर इसराइल की करें तो इसराइल में टीकाकरण अभियान दिसंबर में ही शुरू कर दिया गया। लेकिन इसराइल उन देशों में से है जिसने पहले ही तय किया था कि वह 16 साल की उम्र से ज़्यादा हर नागरिक के टीकाकरण के लक्ष्य पर चलेगी। इसी हिसाब से अलग अलग चरण में एक निश्चित अवधि का खाका तैयार किया गया। यरूशलम जैसी जगह में बड़े स्टेडियम को ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया। यहाँ लोग बीमा कार्ड लेकर पहुँचते हैं और कुछ ही देर की प्रक्रिया में उन्हें फाइजर या बायोबियोनटेक डोज मिल जाता है। देश के लगभग सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर यही प्रक्रिया थी। न देरी न भीड़, वैक्सीनेशन की सप्लाई और उसके बैकअप का भी ध्यान रखा गया ताकि लोगों को दूसरा डोज भी ठीक वक्त पर मिले। यह सैन्य ऑपरेशन नहीं तो और क्या था? आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बने रहिए मीडिया रिपोर्ट्स के साथ।